ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा, कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है। किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। इस समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। इस समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहे। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। अत्यंत कठोर स्वामी, आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता, यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखे, इसका सम्मान करना सीखे, इसका सदुपयोग करना सीखे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा।